नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में नीति आयोग ने लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ पर व्याख्यान आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन के इंडिया चैप्टर ने साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने पर समारोह आयोजित किया। ब्रिटेन तथा भारत के बीच बढ़ते सहयोग पर हुए इस आयोजन की विषय वस्तु थी टुगेदर फॉर इम्पैक्ट। द पावर ऑफ एवोल्यूशन विधि विकसित करने पर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2018 के नोबेल पुरस्कार पर एक नजर। हिसार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भारत की पहली असमिया भैंस सच गौरव की क्लोनिंग करने में सफल। हिसार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को असमिया भैंस की क्लोनिंग करने में सफलता मिली है। ये क्लोनिंग भैंसों की बेहतरीन प्रजातियों के संरक्षण के प्रयास का हिस्सा है। क्लोनिंग की गई भैंस का नाम सच गौरव रखा गया है। असमिया भैंस सिर्फ उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। मुख्य रूप से कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ये भैंस अधिक मात्रा में दूध देती है। जानवरों की क्लोनिंग तकनीक को सरल बनाकर इस क्लोनिंग में नई सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पेश है हरियाणा के हिसार से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वयस्क जीव संतान पैदा करते हैं। प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है ताकि वे विलुप्त ना हो। यौन प्रजनन अनुवांशिक तत्वों के मिश्रण से एक प्रजाति में जीव के बीच भिन्नता को बढ़ाता है। प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और जानवरों की स्वस्थ और उपयोगी नस्लों का उत्पादन करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान और क्लोनिंग का उपयोग विकल्प के रूप में किया जाता है। क्लोनिंग एक आधुनिक तकनीक है जो एक जीव की अनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति पैदा करने के लिए उपयोग की जाती है। जिन जीवों को क्लोन के रूप में जाना जाता है उनमें अपने मूल जीव के समान हूबहू अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। अब तक शोधकर्ताओं ने जैव सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला को क्लोन किया है जिसमें जीन, कोशिकाएं, ऊतक और यहां तक कि पूरे जीव भी शामिल हैं, जैसे कि डॉली नाम की प्रसिद्ध भेड़। क्लोनिंग वैज्ञानिकों को दवा, कृषि, जानवरों की प्रतिकृतियां और यहां तक कि महत्वपूर्ण और उपयोगी नस्लों के संरक्षण के लिए संभावित लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRB की स्थापना 1985 में देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाली विभिन्न नस्लों की भैंसों के सुधार और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने के लिए की गई थी। ICAR-CIRB हिसार गौरव की पहली सफल क्लोनिंग के बाद डॉक्टर PS यादव के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सफलतापूर्वक क्लोनिंग की अनूठी विधि का उपयोग करके सच गौरव नाम के असमिया भैंस के क्लोन नर बछड़े को पैदा किया है। सच गौरव इज एन एसएमईज बफलो क्लोन एंड वी ब्रोट वेरी स्मॉल टिश्यू फ्रॉम वेटनरी कॉलेज खानापाड़ा आसाम। क्लोनिंग इज ए प्रोसेस इन विच the photocopies of an individual are created and this is not through the sexual reproduction, that means semen is not required. We require the oocyte from the females, but genetic information or the nucleus of that is also removed, and in the matured enucleated oocyte we insert a somatic cell of the animal
which we want to clone. जानवरों की क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संपूर्ण जीव एक एकल कोशिका से फिर से पैदा किया जा सकता है। क्लोन जानवर अपने माता पिता की हर तरीके से एक हूबहू प्रति है। इसमें अपने अभिभावकों का ही डीएनए होता है। एक वयस्क पशु के सेल से एक जानवर का क्लोन तैयार करना बहुत जटिल और मुश्किल काम है, लेकिन ICAR के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में शोधकर्ताओं की एक टीम ने डॉक्टर PS यादव के नेतृत्व में इस मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर दिखाया, जहां वैज्ञानिकों ने असामी भैंस की पूंछ के ऊतकों की कोशिकाएं प्राप्त की, जिसे हिसार में अनुसंधान केंद्र में लाया गया था, और इसे भैंस की एक और नस्ल मुर्रा की अंडाणु कोशिकाओं के साथ क्लोन किया गया था। विकसित भ्रूण को अनुसंधान केंद्र से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सरोगेट माँ के अंडाशय में ट्रांसप्लांट किया गया। गर्भावस्था पूरा होने के बाद इस सरोगेट माँ ने असमिया भैंस के एक स्वस्थ नर बछड़े को जन्म दिया। इस अनूठी सफलता को पाने में डॉक्टर PS यादव और उनकी टीम को सच्चा सौदा सिरसा की अति उन्नत सच डेयरी फार्म से काफी सहयोग मिला। डॉक्टर PS यादव और उनकी टीम द्वारा किया गया काम वृद्धावस्था के विकास को समझने, लुप्त प्राय प्रजातियों की दुर्लभ नस्लों को बचाए रखने और जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करेगी।